बहुत ही देखने वाली चीज़ है अगर देखा जाए तो। आल चक मैं आगे देखा तेनु पहली पहली ज्योतिष का नाम था पंडित परसोत्तम दास जोशी। ये जो एलिफेंट माउथ में जो बना है ना, ये सब जैन आर्किटेक्चर डिजाइन है, जैन धर्म से होता है। और इधर में ये लगा है, ये फुल कवर था, ये हॉस्पिटल देसी दवाई द्वारा सब डिलीवरी वगैरह सब नहीं होती थी दासी लोगों से। आयुर्वेदिक मेडिसिन तो हवा महल बोलते हैं। अकबर की जो मुस्लिम रानी थी इनका जान लेती ये गाइस, इधर की साइड पार्क है, ये पार्क से सीधा ये इधर की आप जी बिल्डिंग देखें सामने, तो ये खाली पिलर ही पिलरों पर टिकी हुई है, इसमें ना एक भी दीवार नहीं है। स्कूल भी है, मदरसा, यहाँ पर अकबर की जो दासियाँ जो थी उनको ये कुछ क्लास के बारे में जानकारी मिलती थी। यहाँ क्लास टीचर्स होते वो थे अबुल फजल फैजी। दासियों दो पार्टी गोटी में डिफरेंस होता है, इसी तरह से लेडीज़ों की ड्रेस में। बहुत ही देखने वाली चीज है अगर देखा जाए तो। सुबह जी इधर की साइड ये देखिए, यहाँ पे के तानसेन वगैरह वो अपना राग वगैरह करते थे। और इधर की साइड में जो ऊपर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे अकबर वगैरह बैठा करते थे जो कि इस संगीत का लुत्फ उठाते थे। जो चारों तरफ इसमें पानी पानी है, अब तो बहुत गंदा हो चुका है लेकिन पहले सही था इस साइड में। ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स सब शीशे के ग्लास, इनके बैक साइड में सब कैंडल रख के जलाए जाते थे। यहाँ गेट से चार साइड में सभी सेंटर वुड गेट से चंदन की लकड़ी थी। मुस्लिम रानी का महल है, लेकिन देखिए कार्विंग है, पर्शियन पारस मुस्लिम आर्किटेक्चर, सेम स्टाइल कल्चर। आगर ताजमहल में है, ताजमहल इज वन बिल्डिंग वाइट मार्बल, जबकि सुल्ताना पंच का डिस्टेंस ये वर्क ताजमहल का वर्क सेम है, बल्कि यह है कि ये लाल पत्थर में है वो वाइट मार्बल। देखिए इधर की साइड चारों तरफ महल ही महल से, पता नहीं। वो सब स्ट्रेट होते ये साइड में 1 2 3 के अंदर गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया है साइड से, छोटा गेट नहीं लगा। देखा तेनु पहली पहली बार, क्या बढ़िया था गुरु। तो भाई जी यहाँ पे अस्तमल, ये कि घोड़े और हाथी यहाँ पे बांधे जाते थे इधर की साइड और इधर की साइड, ये देखिए। और ये नीचे की साइड जो दिया है उनको बांधने के लिए है। अंदर की साइड
इधर की साइड कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं। इतना बड़ा है ना तो अभी तो 4 घंटे और लग जाएंगे इसमें। सात राउंड है यहाँ में यहाँ की, अभी बंद कर दो गाइस, 6-7-13 कर दो के बहन भैया देख रहे यहाँ पे तो 7 राउंड लगते हैं क्योंकि उनकी शादी है यहाँ पे, जाए तो ये बंद कर दो गवर्नमेंट में। इसमें की जो लगे हुए हैं ना इनके की सर हाथी के दांत लगे हुए हैं। तो भाई ये इधर की साइड में एक ये इमारत है और ये इधर की साइड जो वाइट कलर लग रहा है ये दरगाह है और ये आजकल मेला लगा हुआ है फतेहपुर सीकरी में, बहुत ही विशाल है ये, आप देख सकते कितना वो लगा हुआ है इसमें। और ये इधर की साइड गाइस झील टाइप का कुछ है, झील टाइप की झील है ये देखिए गाइस, ये झील है ऐसी, आप देख सकते हैं कैसी झील है, सीढ़ियाँ नहीं, ये साला सिड्डा है सिड्डा। अच्छा चढ़ने के लिए ना वो लगाना, ये क्रेन प्रेन लगानी पड़ेगी। ये देखिए भाई सीढ़ियाँ रे, तो भाई ये सीढ़ियाँ मुझे लगा ये भी पहाड़ी है, लेकिन इधर से भी रोड है और सीढ़ियाँ हैं इधर से। ये देखिए ये क्या चीज है, ये तो इसको अपना बताओ कि ये चीज। बैठने के लिए बैठ जाओ आराम से, मस्ती करो। और जैसे अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Change up.